हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 4:24 और गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं मथुरा का प्लान बनाया है। अभी आज है 16 मार्च और अभी हम लोग निकल रहे हैं मथुरा। मेरे साथ है सौरभ, है प्रशांत, है ऋतिक है और अभी ले गए मेरे साथ ऋतिक प्रशांत अभी इधर से दिखाते अभी ले अभी हम लोग गेट पास ले रहे हैं, यहाँ से लेके निकलते हैं। खिड़की खोल के नहीं रखना, एकदम चटैया बिछा के सोएंगे। अगर डीटी चेक करना है तो ब्रश में करा देंगे, वॉशरूम साफ करने लगे। ठीक है, हम लोग स्टेशन पे आ गए हैं, हम आ चुके हैं मथुरा स्टेशन और मुरादाबाद स्टेशन। मैं भी हम लोग की ट्रेन छूट चुकी है क्योंकि अनमोल का कॉल आया, बोला कि ग्रीन झंडी दे गया तो ट्रेन निकल चुकी है। तो अब लोग हम लोग नीचे जाते हैं, अंदर जाते हैं, देखते हैं क्या सीन शॉट है। तो अभी हम लोग बाकी जा रहे हैं क्योंकि हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई। भाई हाथ दियो, भाई हाथ दियो, भाई 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 हाथ दियो। अबे आराम से आजा भाई, तुझे नहीं छोड़ूंगा। चल भाई आराम से, आजा भाई, आजा आराम से, आराम से भाई, आजा आजा भाई, आजा। प्रशांत को देख सकते हैं, इसका हवा निकल चुका है, एनर्जी खत्म हो चुका है। चाय चाय गरम, चाय गरम, कोई बात नहीं, आराम से आराम से आराम से। जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारी ट्रेन नहीं ना भाई। अच्छा, आजा सुना, मैं बताता हूँ, भाग रहा ट्रेन छूट चुकी है। वैसे ट्रेन छूटे ना छूटे, हमने टिकट तो खरीदा नहीं था, तो हम लोग फोकटी में भाग रहे थे। अब बस से जाना पड़ेगा, अभी बस वो ट्रेन जा रही है। गाइस अभी का सीन तो ऐसा है कि हमारी ट्रेन मिस हो चुकी है, ठीक है, और अनमोल हमारा बाहर अब बैठे बैठे क्या हो गया देख सकते हैं, बंदे का पसीना ही पसीना, इतना मेहनत किया बट ट्रेन नहीं पकड़ रहा भाई। एक पसीने की कीमत तुम क्या जानो, ब्लॉगर तक ये बागी पिक्चर चल रही है। अभी ये देखते हैं हम हेड क्या भाई, वो वाला सीन आता ना, वो कितना वाला फॉरेन वाला है, मैं इस पे बैठ के जा सकता हूं। देख बैग रख दे, अभी लेके ले लेगा वो, तो छोड़ दे छोड़ दे, जाने दो जाए, अभी छोड़ना सारे, तू अभी लेग पकड़ ले तू। अरे बैग के ये बैग रख दे, बना ली बैग की। अरे यार हमारे जाने से यार ट्रेन छूट गया था, इसे कोई बात नहीं, आज ने कल तो छूटना ही था। आप लोग भी तो अभी आए हैं अभी। हाँ और क्या, पता कहाँ से तुम कहाँ रहे, कहाँ से ट्रेन आके सामने आ खड़ा है। कोई बात नहीं अनमोल, कोई बात नहीं, एक ट्रेन जाएगी 10 ट्रेन आएगी। तो गाइस ट्रेन मिस होने के बाद अभी हम लोग प्लान बनाए बस से जाने का, तो चलते हैं बस स्टेशन, देखते हैं आगे क्या क्या सीन चल रहा है, चले चलते हैं। स्टेशन के निकलने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बस स्टेशन, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, हम लोग पैदल जा रहे हैं। तो बताइए कैसा फील हो रहा है आप लोगों को, हम बताते नहीं अभी भी हमारी भट्टी थी। बेगलानी सिनेमा हॉल में आ चुके हैं, हम अभी गंगूबाग देखती अभी भी। वैसे भी हमारे यहाँ से कम 1 किलोमीटर और है, जो हम लोग चले जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा बस स्टेशन नहीं मिला। ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई, ये सफ़र ख़त्म ही नहीं हो रहा, अभी तो शुरुआत ही नहीं हुई है जो ख़त्म होगी, बट अभी तक हमारी बस स्टेशन ही नहीं मिल रही है। तो भाई बस स्टेशन पहुँच चुके हैं, मेरे साथ अनमोल है और हमारी बस खुलेगी 6:30 में इवनिंग में। अभी हो रहे हैं 6 बज रहे हैं, आधे घंटे हैं अभी हम लोग घूमते हैं, कुछ खाते पीते हैं
और फिर निकलते हैं बस में, डायरेक्ट मिलते हैं आपसे। हमारी एंगल तक ठीक है ना? हम किधर को जाते हैं? हम जाते हैं मथुरा को। अभी मथुरा नहीं जाते, अलीगढ़ जाते। अलीगढ़ जाते, अलीगढ़ जाते, मथुरा में जाते। ये बस के बारे में क्या क्या बताती? बस के बारे में जो बस का सबको पता है। ये बस के बारे में कुछ बता दो। मैं ऐसे बता दूँ, मेरी आवाज़ सुनते लोग मुझे पहचान लेते हैं। ये बताती क्या इस बस के बारे में? बताती आप बताती। ये बस इसमें क्या खासियत होती है? ये बस खुली लग्जरियस होती है। वो तो दिख रहा है। जो मार जो मार वो मत आप फोन नीचे नीचे डाउन मार दिखाओ। देखो हम मनाली आए हुए, देखो मनाली में कितनी बर्फ गिर रही है। गाइस अभी हम लोग आए एक ढाबा पे, लाइन होटल में। अभी हमारे फर्स्ट स्टॉपेज है, तो गाइस चलिए अंदर चलते हैं कुछ और देखते हैं क्या है खाने में। मैं भी कुछ खाते पीते चलिए अनमोल। कुछ यहाँ पे क्या खाएंगे? चाय है। तो गाइस अभी फाइनल डिसाइड करे हम लोग कि हम लोग खा रहे हैं छोले भटूरे। मैंने यार ऋतिक ने ऑर्डर करे छोले भटूरे। दानिश भी खा रहे हैं छोले चावल। अभिलेख भी खा रहा है छोले चावल। सौरभ भी खा रहा है वही। चलो थैंक यू भैया। यहाँ खड़ा होके खाते हैं, वहाँ बैठ। उधर चल, उधर 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 चल, बैठ के खाते आ जाओ। अभी रात के 11 बज रहे हैं गाइस, और अभी हम लोग पहुँचे हैं अलीगढ़। अलीगढ़ में अभी पहुँचे, और अब अलीगढ़ से अभी हम लोग बस लेंगे मथुरा के लिए, और फिर मथुरा में भी हम लोग पहुँचे 2-3 बजे। यहाँ से 2-4 घंटे लग जाते हैं। तो जा गए इसलिए चलते हैं अब इंक्वायरी करने मथुरा के बस के लिए। यहाँ से मथुरा की बस खुलती है, अब देखते हैं यहाँ समय के 11 हो रहे हैं। हाँ वहाँ में भी 4-5 घंटे लगते हैं जाने में। चले पैदल। क्या हुआ बस की इंक्वायरी करने के लिए? हम गलत जगह पे आ चुके हैं, हमको दूसरे बस स्टैंड पे जाना है आगे। अभी कहाँ जाना है? उसके बाद मिलेगी मथुरा की बस। ये गलत इधर आगे से मिलेगी मथुरा की बस। तो गाइस फाइनली हम लोग को बस मिल चुकी है, और हम लोग यहाँ बैठ चुके हैं बस पे सीट पे। अनमोल हर्ष का याद आ रहा है भाई, आज बर्थडे है उसका। तो गाइस कल हर्ष की बर्थडे है गाइस, और हम लोग उसको यहीं से विश करेंगे भाई यूट्यूब के माध्यम से। 17 मार्च है ना? 18 मार्च। अभी वही तो बता रहे हैं भाई, 17 को उसकी बर्थडे है भाई। तो हम लोग को अच्छे से सीट मिल चुकी है सारे, और सारे कंफर्टेबल बैठ चुके हैं। मैं तो कंफर्टेबल नहीं हूँ। कोई बात नहीं, मेरी बात पर्सनल कंफर्टेबल भी अपने उधर कुछ भी वीडियो अच्छी करने के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री कृष्णा। श्री राधे 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 बजाने वाली राधे। श्री राधे 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 बजाने वाली राधे। जय श्री कृष्णा। आ चुके हैं अभी हम लोग मथुरा, और मथुरा से अभी हम लोग चल रहे हैं जाएंगे वृंदावन। वृंदावन यहाँ से 19 किलोमीटर, और अभी रात के 2 बज रहे हैं। 15 किलोमीटर कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर। और ये रहे हमारे आज के ग्रुप। आज अबे अपना अबे ये तो दिखा दो अपना। ए गाइस यार, दो यूट्यूबर एक साथ। ए गाइस यार, तो भाई चलते हैं अब यहाँ से वृंदावन चलते हैं। वृंदावन में आपसे अब डायरेक्ट मिलते हैं। आप तो गाइस अभी हम लोग मथुरा से वृंदावन आए, और अभी रुके हैं कौन से होटल है? वृंदावन गार्डन में अभी आए हैं गाइस। अब आगे का सीन यही है कि अभी हम लोग एक जा रहे रूम में होटल में, और आगे जो। तो गाइस अभी हम लोग जिस धर्मशाला में रुकने वाले थे, कहाँ है अभी? कितने बजे खुल रहे हैं? कौन सी
सामने ही तो दिख रहा है, दिखाओ ना बैग को बुक खोल। तो गाइज ये जिस धर्मशाला में ले जाने वाला था वहाँ तो अभी बंद है और 4 बजे खुलेगी, अभी 3 बज रहे हैं ठीक है। तो अभी सब रेंडमली ऐसे ही बैठे हुए हैं, क्या जब सो के उठेंगे तब खुलेगी, हम नहीं भी जो भी हो। तो यहाँ ऐसे ही रेंडमली सब बैठे हुए हैं और हमारे अनमोल भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं, हमारे अनमोल भाई साहब यहाँ बेडशीट बिछा के बैठे हुए हैं भाई। मस्त चिल है यहाँ पर, दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही है, हवा एकदम चिल वाले हवा। मतलब ऐसा कौन सा भिखारी होता है मतलब जो इतना घड़ी मतलब चप्पल चश्मा नहीं मतलब कहना बैग बिछा के सोया रहता है। किस हालात से अभी गुजर रहे हैं? हमारे हालात बहुत अच्छे हैं, हम इस टाइम पे होटल वृंदावन रेजिडेंसी में रुकने वाले हैं। ओके। और उसमें ताला पड़ा हुआ है, हम पता करके आया तो एक इंसान के 2200 रुपए टैक्स जोड़ के ओके। और पर हम 7 लोग हैं तो हमारे टोटल भी नहीं बैठ रहे हैं, हम खर्चा कैसे करेंगे इतना करेंगे। ओके। इधर से डीजे की आवाज़ देखो, वो सब छोड़ो उसको दिखाओ, देखो अभी लिख को देखो। ओके। और बस रुकने की जुगाड़ हो गई, खाने पीने की भी जुगाड़ हो गई, सब कुछ बचा के सोना है। तो ऐसे कुछ ऐसे हालात हैं इन लोगों के। अनमोल ये रहा हमारा होटल वृंदावन गार्डन जुमार्ग।